am with Dharmendrasinh Jadeja ji, who is contesting as the candidate from the BJP from the Jamnagar North constituency. He was earlier with the Congress. He's one of the MLAs. He's one of the MLAs who defected and is now with the BJP. Sir, aap bataiye, aap pehle Congress mein the, ab aap Bhajpa mein hain. तो अब जो भी आप चुनाव लड़ेंगे इससे आप पे कुछ असर पड़ेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के में आया हूँ. 5 साल में एमएलए कांग्रेस का रहा जी. लेकिन कांग्रेस में 2 साल से हम फरियाद कर रहे थे पार्टी के खिलाफ और बीजेपी दोनों सामने हमने लड़ना पड़ता था कांग्रेस में और कई लोग हमारे सामने थे जी. और पूरा लोगों से राय लेके मैं 6 महीना तक लोगों का राय लिया वोट वोट में जाके और लोगों ने विनती किया 100% विनती किया. उसके बाद हमने बीजेपी ज्वाइन किया और बीजेपी जो विकास का मुद्दा है उनका और राजनीति नहीं करता विकास से ज़्यादा बीजेपी काम करती है. और मोदी साहब गुजरात के हैं, गुजरात का हमारा गौरव ही है. तो मोदी साहब जो राय से विकास से राय से चल रहा है हम उस राय से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया. आप अपने मतदाताओं को वोटर को कैसे बताएंगे कि आपने पार्टी शिफ्ट कर ली है इसका उनको कोई फर्क ना पड़े? आप उनको कैसे बोलेंगे कि आपका काम ज़्यादा महत्व रखता है? मैडम मैंने पहले ही आपको बताया कि मतदाता को मैंने विश्वास में लेके 2 महीना पूरा एरिया में मैंने भरा. फिर पार्टी का कांग्रेस का था कि इतना इतना मुझे परेशानी है. लोगों ने मुझे बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करना है. मैंने बीजेपी ज्वाइन किया. मैंने जब बीजेपी ज्वाइन किया तब 20,000 लोगों मेरे साथ था जी. एक लास्ट क्वेश्चन है, आपने राहुल गांधी पहले आपके नेता थे जब आप कांग्रेस में हैं, अब नरेंद्र मोदी जी आपके नेता हैं, आपको दोनों में क्या अंतर नजर आता है नेता के तौर पर? पूरा विश्व मोदी साहब का प्रशंसा कर रहा है. पूरा विश्व में अमेरिका जैसा महासत्ता है उन्होंने भी मोदी साहब का प्रशंसा किया है और हमारे लिए तो गौरव की बात है. वो गुजरात का है.